हेलो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं प्लेन सिंपल टी टाइम वैनिला केक। उसे बनाना बहुत ही इजी है और मैं बहुत ही इजीएस्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले एक बड़े से बाउल में हम 25 ग्राम बटर लेंगे और ये बटर रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। और इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क मैंने घर पे बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप उसे फॉलो कीजिए और कंडेंस मिल्क घर पे बनाइए। कंडेंस मिल्क को घर पे बनाना बहुत ही आसान है। अब आइए रेसिपी देखते हैं। अब इसे हम अच्छे से व्हिप कर लेंगे और बटर कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। इसमें ऐड करेंगे 2 कप्स ऑफ मैदा, सिंपल एंड प्लेन रिफाइंड फ्लोर, और इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून और डालेंगे वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस के साथ आप ज़्यादा क्रेजी मत हो जाइएगा, क्योंकि ये जितना मीठा महकता है उतना ही स्वाद में बिटर होता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिल्क ऐड किया और इसे मिक्स कीजिएगा। हम थोड़े थोड़े मिल्क यूज़ करके इसमें डालेंगे, एक साथ ही हम सारा मिल्क नहीं डाल देंगे। और कैसे पता चलेगा हमारा बैटर रेडी है, आप ऐसे उठा के देखिएगा, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, इससे पता चलता है कि हमारा ये बैटर रेडी है। अब मैं एक लोफ पैन लूँगी और उसमें ये बैटर पोर करूँगी। आप चाहें तो राउंड हर जैसे शेप में बनाने चाहिए वैसे, जैसे कि मैं टी टाइम बना रही हूँ तो मैं ऐसा शेप ली हूँ। और अब मैं इसे अवन में प्री हीट करने के लिए रख दी। मैंने 180 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट प्री हीट पे लगा दिया है। अब आइए मेरा ट्विस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ बनाना जा रही हूँ हनी का ग्लेज। हनी के ग्लेज बनाने के लिए मैं यहाँ हनी ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। और इसमें डालेंगे लेमन के स्लाइसेस जो मैंने पहले से कट करके रखे हुए हैं। और इसमें ऐड करूंगी थोड़ा वाटर और इसे बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा केक प्री हीट होके तैयार हो गया है और ये बाहर आ गया है। अब हम टूथपिक डाल के इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। अब एक ट्रे में हम केक को फ्लिप कर लेंगे। आप देख सकते हैं गरम गरम है बहुत, और ये केक मेरा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हो गया है। अब अपना ट्विस्ट इस पे डालते हैं, जो हमने ग्लेज बना के तैयार किया है वो इसके ऊपर पोर करेंगे। और हाँ, केक भी गरम ग्लेज भी गरम कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे हम बहुत ही अच्छे से डालेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए कि ये केक के पूरे अंदर तक चला जाए। और आप देख सकते हैं लेमन के ट्विस्ट के वजह से ये केक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ग्लेज बहुत अच्छा लग रहा है, हनी ग्लेज, या बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप इसे खा के देखिएगा, ये ग्लेज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये मैंने अच्छे से कर दिया, बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इसे मैं थोड़ा फ्रीज में रख दी। और 10 मिनट बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें क्रीम डाल दूँ, क्योंकि मुझे जो वैनिला टी टाइम केक है ना, वो क्रीम के साथ बहुत पसंद है। कोई भी केक हो, मुझे ऐसे प्लेन नहीं पसंद। वैसे तो ये केक पूरा परफेक्ट था, बट फॉर माई सेटिस्फैक्शन मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। और इसके ऊपर मैं चेरी डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही डिलीशियस यम्मी वैनिला केक तैयार है। ये टी टाइम केक के लिए परफेक्ट है। केक और चाय, इसके अलावा और क्या चाहिए।
आप इसे खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइज।